नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिलीशियस ज्ञान रिंग कुछ रेसिपी चैनल में। दोस्तों आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। मूली का पराठा ऐसा पराठा, मूली का पराठा तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगी एकदम इजी आसान और बहुत कम टाइम में बन के तैयार भी हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। यूनिक है मूली का पराठा, तो सभी लोग बनाते हैं, मैं थोड़ा अलग टाइप का बना रही हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले ये फ्रेश मूली था जिसको धो के छील के इस तरह से कद्दूकस करके इसे रख लिए हैं। कुछ मूली का पत्ता से बारीक काट लिए हैं, इसका भी यूज करूँगी पराठे में, काफ़ी टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी होगा पराठा। तो ये मूली है, मूली को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूली में पानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से दबा के पानी निकाल देंगे, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। दोस्तों मूली का पानी निकाल लिए हैं, इस पानी को फेंकना नहीं है दोस्तों, इसको आप फेस पे यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका स्किन टाइट और ग्लो दिखेगा। ये मूली फेस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले एक बाउल में ये घिसा हुआ मूली डाल देंगे, इसी के साथ ये मूली का पत्ते जो कटा हुआ है उसको भी डाल देंगे। ये चार हरी मिर्च इसको बारीक काट लिए हैं, वो भी इसी में डाल देंगे। एक टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक हाथ से खूब अच्छे से मैश करेंगे ताकि मूली मूली का पत्ते ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल के फिर नरम डो तैयार करेंगे। मूली का पराठा बनाने के लिए नरम डो तैयार करना, इसमें और मसाला कोई अलग से ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ओरिजिनल टेस्ट वाला मूली का पराठा चाहिए। इसमें दूसरा कोई और मसाला मिला दूंगी दोस्तों तो ये मूली का फ्लेवर जो है वो छुप जाएगा और दूसरे मसाला का टेस्ट आने लगेगा। तो मूली का पराठा है तो क्यों ना मूली का पराठा में मूली का ही ओरिजिनल टेस्ट आए। ये आटा नरम लगा लिए हैं, अब इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे। ये थोड़ा सा हाथ पे ये रिफाइन ऑयल लगा के इस तरह से आटा को थोड़ा सा मसल देंगे ताकि बेलने में आसानी होगा, ये चिपकेगा नहीं चकला पे जाके। ये आटा लग गया है, इसको ढक के 5 मिनट रेस्ट देंगे। 5 मिनट हो गया है तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आटा जो लगाई थी इसको निकाल के इस तरह से 2-4 बार हाथ से अच्छे से मैश कर देंगे, फिर इसका रोल बनाएंगे। रोल बना के ये बड़ा बड़ा लोई बनाएंगे, साइज आप अपना हिसाब से बना सकते हो, छोटा बड़ा पराठा क्या। बड़ा बनाओगे तो चलो 4 के जगह 2 ही खाओगे, और छोटा रहेगा तो 4 खाओगे, वो तो बनाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का। इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा आटा सूखा आटा इसमें लगा के फिर चकला बेलन पे इसको बेल लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, पराठा है ना। ये देखिए इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ एक जैसा बेलना है। ये तवा गरम हो गया है, अब इस पे डाल देंगे पराठा। दूसरे लोई का भी इसी तरह से बना के पराठा तैयार कर लेंगे।
ये देखो एक तरफ से हो गया है, इसको पलट दिए हैं, फिर दूसरे तरफ से हो जाएगा, फिर रिफाइंड डालेंगे। ये दूसरे तरफ से भी सीख गया है। अब इस पर चम्मच की सहायता से ये घुमा घुमा के तेल लगाएंगे। पलट देंगे। ये पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे पराठे बना लेंगे, फिर गर्मा गर्म दही के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सुपर टेस्टी मूली पराठा बनके तैयार हो गया है। इसको मैं सर्व कर दी हूँ। ये देखिए कितना सुंदर पराठा बना है। इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा है दोस्तों। देखिए हाथ को ऐसे लगाते ही कितना अच्छे से टूट जा रहा है, कितना मुलायम ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसको मैं दही, टमाटर सॉस और नींबू का अचार के साथ परोसी हूँ। ये हर चीज़ के साथ इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ये दही के साथ भी आप खा सकते हो, टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हो, धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी अच्छा लगेगा, आलू का ग्रेवी वाले सब्जी के साथ भी अच्छा लगेगा। तो ग्रेवी वाले सब्जी तो मैं आज बना नहीं पाई, ऐसे दही और नींबू का अचार टमाटर के साथ सर्व कर दी हूँ। बताइए टेस्ट करके कि कैसा बना है। अभी तक मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कैसा लगा ये मूली पराठा का रेसिपी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।